लोग बीमारी की हालत में अस्पताल में एक उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन जब वो अस्पताल खुद ही बीमारी की हालत में हो तो उस उम्मीद का टूटना लाजमी हो जाता है। ऐसे ही कुछ हालात हैं सिविल अस्पताल चौपाल के, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं ने दम तोड़ दिया है। अस्पताल में मरीजों को अच्छे शौचालय और विशेषज्ञ चिकित्सक जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में उपचाराधीन कृष्णा मेहता ने बताया कि यहाँ हीटर काम नहीं करते और मरीजों को अपने घर से ही हीटर लाना पड़ता है। अस्पताल में कोई विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, जिसके चलते मरीजों को इलाज के लिए भी 150 किलोमीटर दूर शिमला का रुख करना पड़ता है। छह दिनों से एडमिट हूँ तो यहाँ पे हीटर की कोई फैसिलिटी नहीं है। लोग, सर्दी का मौसम है, इतनी ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, सब लोग ठंड से जूझ रहे हैं। एक एक कम्बल है, बेचारे पेशेंट कहीं तो इतने दूर से आते हैं, उनके पास कम्बल भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे बेचारे। और बाकी आईज का भी नहीं है यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड का भी नहीं है। बेचारे लोग दूर दूर से आते हैं, फिर उनको रेफर किया जाता है यहाँ से कि आप यहाँ से शिमला चले जाओ। ब्लड के यहाँ बहुत बुरे हाल है, बहुत ही गंदे, जेंट्स भी उसी में जाते हैं, लेडीज उसी में जाती। इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, लाइट की कोई भी वो नहीं है। स्थानीय निवासी पुष्कर भोटिया ने अस्पताल के एम्बुलेंस सुविधाओं पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि 3 सालों से अस्पताल में एक ही एम्बुलेंस है, अगर कहीं दो हादसे हो जाते हैं तो लोगों को घंटों एम्बुलेंस आने का इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा आश्वासन देने के बावजूद अस्पताल में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ब्लोअर लगे हैं वो एक भी नहीं चल रहा है, और पेशेंट आ रहे हैं उनको मतलब ठंड से जूझना पड़ रहा है। और 2013 में यहाँ पे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने 100 बेड की व्यवस्था की थी, और यहाँ पे हमारे पास 20 बेड भी अवेलेबल नहीं है, ना हमारे पास ऑर्थो का है कोई। ठीक है, हमारा सरकार से आग्रह है कि भोपाल भी एक हम दुर्गम क्षेत्र से आते हैं, अब यहाँ से शिमला हमारा 100 किलोमीटर दूर है, हमारे रोड की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, इसलिए आप ही कुछ पहल करें।